आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बीते कुछ सप्ताह से प्याज की कीमतों में गिरावट जारी है। किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। कई जगह किसान अपनी फसल को खेतों में नष्ट कर दे रहे हैं या फिर पशुओं को खिला दे रहे हैं। भाव इतना कम मिल रहा है कि लागत तो दूर, मंडी में उपज ले जाने तक का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए किसानों ने अपने स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा और उन्हें प्याज के लिए अधिक खर्च करने को मजबूर होना पड़ेगा। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। यहाँ के किसान ही प्याज की गिरती कीमतों से सबसे अधिक प्रभावित भी हुए हैं। लगातार नुकसान उठाने की वजह से किसानों को काफी आर्थिक दुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है और अब लगातार नुकसान उठाने की जगह किसानों ने प्याज का भंडारण करने या उपज को रोकने का सामूहिक निर्णय लिया है। इसका असर भी अब दिखने लगा है। एक सप्ताह में ही किसान दो गुना तक भाव पाने लगे हैं। एक सप्ताह पहले तक प्याज का थोक भाव 7 से 8 रुपए प्रति किलो था। वहीं किसानों से 2 से 3 रुपए प्रति किलो के भाव पर खरीद भी हो रही थी, लेकिन उपज रोकने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और थोक भाव कुछ जगह पर 17 रुपए तक पहुँच गया है। नागपुर में प्याज का औसत भाव 12 से 15 रुपए किलो तक हो गया है। वहीं कुछ किस्मों का भाव 17 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। अब जब रेट में बढ़ोतरी होने लगी है तो किसान संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे। किसानों का कहना है कि पहले ऐसा देखा गया है कि दाम बढ़ने पर सरकार एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती है। किसान चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में दाम बढ़े तो सरकार इस तरह का कोई निर्णय ना ले। उन्होंने कहा कि अगर रेट गिरने से किसान नुकसान झेल लेते हैं तो दाम बढ़ने पर उन्हें लाभ कमाने का मौका भी मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि उपज को रोकने का निर्णय हमने लिया और अब उन्हें लाभ भी हो रहा है। सरकार के स्तर पर कोई मदद नहीं मिली। अगर किसान पैदावार नहीं रोकते तो नुकसान और आगे ज्यादा ही होता। किसानों का कहना है कि अगर 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिले तो उन्हें कुछ फायदा होगा। प्याज की 1 एकड़ में खेती करने पर कुल 60 से 65 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अगर उन्हें उचित दाम नहीं मिलेगा तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा और यही कारण है कि किसान प्याज के लिए MSP जैसी एक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जहां एक न्यूनतम दाम तय हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।